नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलटेल आईपीओ के बारे में, जिसका एप्लीकेशन जो आपको 15 फरवरी से ओपन हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं 15 से 17 फरवरी के बीच। इसे दूसरा IRCTC कंपेयर किया जाता है कि ये IRCTC की तरह ही आपको 100% का रिटर्न दे सकता है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 50% है। 100% अगर लिस्टिंग तक में पहुंचता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो निश्चित है कि आपको 100% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसके बारे में डिटेल में आप जान लेते हैं तो काफी बेहतरीन होता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, और नहीं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जब अच्छा खासा होता है, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग होती है। यहां तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसके प्रमोटर्स हैं। तो जो PSU के स्टॉक होते हैं उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करने में काफी ज्यादा मतलब दिक्कतें होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देते हैं। लेकिन जो IPO होता है वो उसमें लिस्टिंग गेन काफी अच्छा प्राप्त होता है। जो भी PSU स्टॉक आते हैं लिस्ट होने के लिए, जो PSU कंपनी होती है उसमें लिस्टिंग गेन काफी अच्छा मिलता है IPO में। तो उस यही पर जानेंगे। जो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये मेनली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। किसका? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो ये मेनली करती क्या है, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाती है, टेलीकॉम सेक्टर में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो की फैक्टर है, आप कंपनी के बारे में यहाँ बता सकते हैं। जो की फैक्टर है, रेलटेल कॉर्पोरेशन का लार्जेस्ट जो है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है इंडिया का। और यहाँ पर जो डाइवर्सिफाइड सर्विस है, टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, होस्टिंग और प्रोजेक्ट, तो ये सारे के सारे काम है इस कंपनी के। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। और यहाँ पर नेटवर्क इसका जो कवर करता है 59,000 किलोमीटर का, और 5,929 रेलवे स्टेशन, तो इतना रेलवे स्टेशन को कवर करती है। इसका जो ऑपरेशन सेंटर है मुख्य रूप से दिल्ली है, साथ ही साथ मुंबई हो गया, आपको कोलकाता हो गया, सिकंदराबाद हो गया, ये सारे मतलब मुख्य इसके जो डाटा सेंटर्स हैं। टोटल इसके कुल जो है इतना कस्टमर है 3,05,746, और जो 5,023 जो है इसका एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर है। तो ये मुख्य की फैक्ट्स है कंपनी के बारे में। तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, तो ज़बरदस्त का लिस्टिंग गेन प्राप्त हो सकता है। अगर जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% तक बढ़ सकता है, तो लिस्टिंग के दिन आपको ज़बरदस्त लिस्टिंग मिलेगा। और आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उस दिन प्रॉफिट जरूर बुक करें। अगर आपके पास दो लॉट है तो हो सकता है एक लॉट आप प्रॉफिट बुक करें और एक लॉट आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन PSU स्टॉक में आपको ज़्यादातर जो है मल्टीबैगर रिटर्न नहीं प्राप्त होते हैं, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन IPO है। तो चलिए IPO के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसमें कंपनी का टोटल एसेट कितना है, रेवेन्यू कितना कंपनी जनरेट करती है, और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का कितना है। तो ये मिलियन में है, मिलियन को 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपको करोड़ में हो जाएगा। तो इसमें हम 10 से डिवाइड करके ही करोड़ में बात करेंगे कि करोड़ में जो कंपनी का टोटल एसेट कितना है, फिर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए 2018 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट था वो था 2322 करोड़ का नेट एसेट था, और कंपनी रेवेन्यू जो जनरेट कर रही थी 1021 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी 2018 के फाइनेंशियल ईयर में। और वहीं उसे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का। 2019 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट था वो था 2227 करोड़ का, पहले 2322 करोड़ का था यहाँ 18 में, और एसेट जो है घटकर कंपनी का हो गया 2227 करोड़ का। और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ फाइनेंशियल 19 में वो 1038 करोड़ का, यहाँ पर रेवेन्यू जंप हुआ है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 135 करोड़ का था, तो प्रॉफिट में 1 करोड़ का जंप हुआ अगले फाइनेंशियल 19 में। फिर फाइनेंशियल 20 में कंपनी का जो टोटल एसेट था वो था 2398 करोड़ का, तो यहाँ पर एसेट भी बढ़ा है कंपनी का। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ करके हो गया 1166 करोड़ का, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू यहाँ पर। और कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी जंप हुआ, 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का, तो प्रॉफिट में भी यहाँ काफ़ी जंप हुआ, लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट में जंप। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर अभी अधूरा है, और यहाँ पर कंपनी का जो टोटल एसेट है अभी करेंट में वो है 2482 करोड़ का। कंपनी का जो रेवेन्यू अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है ये फाइनेंशियल, अभी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। 553 करोड़ का रेवेन्यू है, और कंपनी जो प्रॉफिट अभी तक कर चुकी है 45 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर चुकी है।
तो ये कुल इन्फॉर्मेशन था कंपनी का, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 कंप्लीट होगा तब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगा इस फाइनेंशियल ईयर का। तो ये था कंपनी का डिटेल। अब हम जानते हैं आईपीओ का डिटेल। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो आईपीओ ओपन होगा 16 फरवरी को और आईपीओ क्लोज हो जाएगा हमारा 18 फरवरी को। तो ओपनिंग डेट है 16 फरवरी, क्लोजिंग डेट है 18 फरवरी। और यहाँ पर बुक वैल्यू टाइप ये हमारा इस आईपीओ है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस जो है 93 रुपीज़ होगा, 94 आपको कट ऑफ प्राइस पे ही 94 रुपीज़ पर अप्लाई करना है, क्योंकि जब ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको 93 पर ना मिल करके जब आप कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करेंगे तभी आपको आईपीओ मिल सकता है। इसलिए कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करें, क्योंकि जब तक अंडर सब्सक्राइब नहीं होता तो नीचे के प्राइस पर आईपीओ आपको मिलता नहीं है। तो इसलिए कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करना है। इसका जो लॉट साइज होगा 155 शेयर्स का होगा, मतलब एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 155 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो होगा आपका 13 लॉट। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2015 शेयर होगा। तो अब मिनिमम आप 155 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 लॉट, और मैक्सिमम जो 13 लॉट जो कि हो जाएगा आपका 2015 शेयर। यहाँ पर लिस्ट जो होगा एनएससी बीएससी दोनों का ये स्टॉक होगा। इश्यू साइज जो है इसका टोटल 819 करोड़ का है, 819 करोड़। और ये ऑफर फॉर सेल है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना इसमें कुछ परसेंट जो होल्डिंग है वो सेल कर रही है। तो अलॉटमेंट जो आपको मिलेगा आईपीओ का, तो बेसिक अलॉटमेंट डेट है 23 फरवरी को, 23 फरवरी को अलॉटमेंट आप देख सकते हैं कि आपको मिला शेयर या नहीं आईपीओ में। और जो अगर नहीं मिला तो आपके बैंक अकाउंट में रुपया वापस आ जाएगा 24 फरवरी को। और जो अगर शेयर मिलता है, मतलब आईपीओ मिलता है, तो 24 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। और जो आईपीओ लिस्ट होगा वो 26 फरवरी को लिस्ट होगा। तो 26 फरवरी को आईपीओ जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जहां आप सेकेंडरी मार्केट में इसे सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उस दिन लिस्टिंग के डेट। जो मिनिमम अमाउंट होगा एक लॉट के लिए आप अप्लाई करेंगे 155 शेयर में, तो मिनिमम जो अमाउंट आपको लगेगा एक लॉट के लिए वो है 14,570। और मैक्सिमम अगर आप अप्लाई करते हैं 13 लॉट तो आपका अमाउंट होना चाहिए 1,89,000, तो जिसमें 2015 शेयर होंगे। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 लाख से अधिक आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर 14 लॉट आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका जो अमाउंट का टोटल वैल्यू होगा, टोटल जो अमाउंट होगा वो 2 लाख से अधिक हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था आईपीओ के बारे में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आईपीओ में अगर लिस्टिंग गेन प्राप्त करना है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए हम आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा देते हैं। अभी 50% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो रियलटेल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं 50% हो चुका है एड ऑफ आईपीओ। आईपीओ से पहले बढ़ करके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 50% हो चुका है। आप देख सकते हैं अलग अलग साइट पर कहीं 43% बताया जा रहा है, कहीं पर 50% बताया जा रहा है। तो लगभग 50% ग्रे मार्केट प्रीमियम हो चुका है बढ़ करके। अगर और बढ़ता है तो और अच्छा लिस्टिंग गेन आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है और आईपीओ में जरूर अप्लाई करना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप चेक करते रहिएगा। लिस्टिंग से पहले भी हम एक दिन बताएंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है आपको। लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।